गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है रमजान मुबारक का आखिरी जुमा। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ एजेंसी चौराहे पर, जिसका एक अपना इतिहास है। दोस्तों, कभी यहाँ से जो है घोड़े टांगे धामपुर के लिए चलते थे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये रोड है धामपुर का, और यहीं पर टांगे खड़े हुआ करते थे। बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, और इसके आसपास जो शॉप है वो भी बहुत ज्यादा पुरानी है। तो दोस्तों, चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं मेटोर का ये बाजार। आज है आखिरी फ्राइडे और लगभग चार पांच दिन बाद लगभग जो है ईद होने वाली है, तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर। दोस्तों, जैसे एजेंसी का इतिहास है, ऐसे ही नफीस स्वीट हाउस का भी इतिहास है। तो मेरे साथ खड़े हुए हैं इस वक्त भाई फैजान, और मैं इनसे पता करना चाहूंगा लगभग जो है ये कब से है ये दुकान और कौन इसको चलाता था। तो भाई फैजान, आपका स्वागत है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई फैजान, इस शॉप पर कौन बैठता था? यहाँ पर दादा ने स्टार्ट किया था। अच्छा जी, उसके बाद पापा ने, फिर अब हमारे हैं। तो जी जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग तीसरी पीढ़ी, दादा और इनके वालिद साहब और अब ये भाई फैजान। तो लगभग तीसरी पीढ़ी से ये दुकान करे हुए हैं यहाँ पर एजेंसी चौराहे पर, नफीस स्वीट हाउस के नाम से ये शॉप है। यहाँ पर बहुत ही स्पेशल स्वीट मिलती है, तो मैं पता करना चाहूंगा, चूंकि ईद करीब है, ईद आने वाली है, तो क्या क्या वो बना रहे हैं? जी फैजान भाई, ईद चूंकि आने वाली है, दो तीन दिन बाद ईद है, लास्ट जुमा है, तो तैयारी चल रही है, क्या क्या स्पेशल रहेगा? स्पेशल में दूध बर्फी है और मावा का पेड़ा है, तिल के लड्डू है, और बाकी सारी वैरायटी अल्लाह का शुक्र है, सारी बढ़िया है और सारी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। तो जैसे कि भाई फैजान ने बताया, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो है बहुत स्पेशल स्वीट, स्पेशल मावे की जो है तैयार होती है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप तमाम लोग अगर मिठाई खरीदें तो यहाँ नफीस स्वीट हाउस एजेंसी चौराहे से ही लें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ईद की लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टोपियां ही टोपियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीर की आइटम, डोंडे, पत्तल, गिलास वगैरह, काफी कुछ आइटम यहाँ पर जो है अवेलेबल है। यहाँ पर जो है देखिए देखिए छोटी कटोरियां और चम्मच। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल इमरती आप देख सकते हैं बन रही है, यहाँ पर इमरती, और यहाँ पर जो है
ये तैयार हो रहा है मटेरियल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज ईद के त्योहार पर यहाँ पर जो है दुकानों पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। दोस्तों नहटौर का ये सबसे पुराना बाजार है, लगभग अगर बात की जाए 150 गांवों पर ये एक बाजार पड़ता है जो बिल्कुल मिडिल में, नहटौर के मिडिल में पड़ता है ये, जिसको मेन बाजार बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रमजान में जुमे के लिए और ईद के लिए यहाँ पर जो है कुर्ते, सिर्फ कुर्ते ही कुर्ते यहाँ पर बिक रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जो है अंदर विजिट करते हैं, शॉप पर मिलते हैं, शॉपकीपर है यहाँ पर मारूफ भाई, उनसे भी मिलते हैं। देखिए तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूँ ए टू जेड गारमेंट्स पर और इस शॉप के ऑनर मिस्टर मारूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे मारूफ भाई? बढ़िया। तो मारूफ भाई, चूंकि आज जो है रमजान का लास्ट फ्राइडे है, क्या है, क्या पोजिशन है, ग्राहक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, कैसे? बढ़िया काम है एकदम जी, आ रहे हैं। तो अवेलेबल क्या क्या है किड्स में, जेंट्स, एडल्ट, सभी? हमारी दुकान ए टू जेड गारमेंट्स है। अच्छा अच्छा। हमारे मोजे से लेके टोपे तक सब मिलता है। अच्छा। सभी चीजें, लेडीज, जेंट्स, बच्चा जी, अंडर गारमेंट्स सब चीजें। तो दोस्तों चूंकि 25 रोजे पूरे हो चुके हैं और अब इस वक्त जो है लोगों की खरीदारी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर ए टू जेड गारमेंट्स के नाम से है, यहाँ पर चाइल्ड, एडल्ट, लेडीज, जेंट्स सभी तरह के जो है यहाँ पर शॉप रेडीमेड गारमेंट्स अवेलेबल है। तो हमें इस वक्त ए टू जेड गारमेंट्स को हमने आपको दिखाया मार्केट में शॉप। तो चलिए अभी कुछ जो है फूड जोन की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको घास मंडी में क्या क्या आइटम जो है शाम को रोजे अफ्तार में रोजेदारों के लिए बन रही है। चलिए चलते हैं घास मंडी। तो दोस्तों घास मंडी में फखरे आलम की ये जो बालू साई है बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस वक्त बन रही है बालू साई फखरे भाई की। ये है फखरे भाई के बेटे तो मोहम्मद फरमान। तो भाई फरमान हमारे साथ जुड़ चुका है, कैसे हो भाई फरमान? बस अल्लाह का शुक्र है। तो किसी ऑर्डर की बन रही है या आप नहीं बना रहे हो? मस्जिदों में जाएगी, ऑर्डर की है मस्जिदों में जाएगी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों चूंकि कुरान शरीफ पूरा हो चुका है, तरावीह पूरी हो रही है मस्जिदों में, तो ऑर्डर की है बालू साहब, बहुत ही स्पेशल फखरे भाई की, घास मंडी में इनकी शॉप है। तो दोस्तों अगर फास्ट फूड की बात की जाए तो नहटौर में मैं समझता हूँ सबसे पहला फास्ट फूड अगर कोई बनाता होगा तो वो है हमारे शाकिर भाई। शाकिर भाई के समोसे आने हैं, मैं समझता हूँ शायद शाकिर भाई भी उतने पुराने नहीं है, क्यों मैंने सही कहा? सही बात है आपकी। तो वो ये पुराना वाला जी। तो ये शाकिर भाई समोसे जो है लगभग कब से बनाते होंगे आप? 66 से बना रहा है। 66 से? 68 से। 1968 से जो है ये समोसे बनाते हैं। शुरू करा था। तो जब से 10 पैसे का ये समोसा बनाते हैं, मेरे ख्याल से आपके वालिद साहब भी बनाते थे जी, जी जी। तो शाकिर भाई के वालिद साहब ये समोसे बनाते थे, अब शाकिर भाई बना रहे हैं, इसके बाद जो है इंशाल्लाह बच्चे भी बनाते हैं जी, बना रहे हैं, किसी पीढ़ी में काम आ गया हमारी। तो जरा सा मुझे ये बताएं शाकिर भाई, ये जो समोसे हैं शुरू से ही इसी क्वालिटी में और इसी तरह बनते हैं? इसका वही टेस्ट है, अब तक बदला नहीं, वही जायका है, वही टेस्ट है। तो 1968 से जो है शाकिर भाई समोसे बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसा टेस्ट शुरू से था, यानी इनके वालिद साहब के वक्त से, ऐसा ही टेस्ट आज भी है। तो ये सबसे पुराने जो है समोसों के मेकर हैं शाकिर भाई। समोसों के अलावा इनकी जो है बहुत ज्यादा मशहूर है मिर्च वाली पकौड़ी, जो ये रखी हुई है ये वाली, ये बहुत ज्यादा मशहूर है इनकी पकौड़ी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शाकिर भाई के समोसों का। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहिद भाई के स्टॉल पर, जो ये स्टॉल है यहाँ पर रोजेदारों के लिए कुछ नमकीन वगैरह है और फेनी है और यहाँ पर जो है स्पेशली हलवा पराठा भी है।
तो उस तरफ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ है इमरती भी बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर है इमरती, बहुत टेस्टी इमरती है। तो एक छोटा सा जो है इसको आप कह सकते हैं फूड हब कह सकते हैं, जहां पर जो है स्वीट वगैरह नमकीन वगैरह। और मेरे इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है आप इमरतियां बन रही है ताजा और गर्मा गर्म इमरती। तो एक स्टॉल यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है आखिरी जुमा और बाजार में भरपूर रौनक हो रही है, भरपूर तरीके से जो है आज इस जुमे को जो है, अब चूंकि आखिरी जुमा है तो शॉपिंग भी हो रही है और भरपूर तरीके से यहाँ पर जो है रमजान का मजा लिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस जोन की, तो ये इमरती हब जोन बन चुका है। कैमरामैन के पीछे दो स्टॉल है जहां पर जो है इमरती बन रही है, आप दिखाएं, देखिए मेरे पीछे भी और मेरे लेफ्ट हैंड पर और मेरे राइट हैंड पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जोन बन चुका है इमरती जोन। एक स्टॉल जमजम जो है वहां पर एजेंसी चौराहे पर और यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग जो है क्या रेट है इमरती, 160 रुपए केजी चल रही है इमरती जो बनी होती है दाल से। तो ये है शाहिद भाई की स्टॉल, चलो। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं एक परचून शॉप पर, जहां पर आप देख सकते हैं तरह तरह के ड्राई फ्रूट हैं। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा अपने हजरत से कैसी दुकानदारी चल रही है और ईद की जो है तैयारियां, जाने शीर जो बनती है उसके लिए कैसी दुकानदारी है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं। तो चूंकि आखिरी जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद ईद आनी है, तो कैसी लोगों में जो है वो उत्साह, खुशी और जो है खरीदारी कैसी हो रही है, जरा सा बताएं। अभी तक कुछ ऐसी महसूस नहीं हो रही, समझे आगे वो अल्लाह मालिक है। तो बता रहे हैं अभी दुकानदारी थोड़ी सिलो है, इसके बाद जो है एक दो दिन बाद दुकानदारी इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो किस नाम से शॉप? रॉयल किराना स्टोर। रॉयल किराना स्टोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं बाजार के बिल्कुल मिडिल में, तो आप देख सकते हैं और यहां पर जो है ईद के उपलक्ष्य में यहां पर है खजला है और फेनी है। किस नाम से आपकी शॉप? शरीफ अहमद खाली। लाओ जी। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूँ फुटवेयर पर, शरीफ फुटवेयर पर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शरीफ भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईद करीब है, तो क्या पोजीशन है अभी? थोड़ी सी जो है सिलो है, फासे कैसे? फिलहाल तो थोड़ा बहुत सिलो है, मगर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, उसका अल्लाह शुक्र एहसान है परवरदिगार का, रोजी रोटी में कोई नुकसान ना है, अल्लाह ताला दे रहा है बेशक। तो दोस्तों चूंकि असल में अभी 25वां रोजा है और लगभग अभी 4-5 दिन बाकी है, मोस्टली कुछ लोग जो बाहर से आते हैं जॉब पर है तो वो आगे चांद रात पे ज्यादा जो है खरीदारी करते हैं मोस्टली। तो लगभग 1-2 दिन पहले जो है शूज और रेडीमेड की ज्यादा दुकानदारी होती है। तो ये है शरीफ फुटवेयर। चलो सर। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ HJ कलेक्शन पर, चलिए देखते हैं थोड़ी सी वैरायटी क्या क्या जो है इस वक्त जो है अवेलेबल है और क्या क्या यहाँ पर जो है बेचे हैं। तो सामने इस वक्त लहंगे हैं और काफी कुछ आइटम, तो काफी कुछ भरी हुई है, लेकिन शायद थोड़ी सी जो है अभी दुकानदारी सिलो है। तो मैं भाई से बात करने की कोशिश करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? आलम अंसारी। आलम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आलम भाई कौन कौन सी वेराइटियाँ कॉटन में और जो क्या क्या होती है थोड़ा सा बताएं, क्या क्या आइटम है? कॉटन है, ऑर्गेंजा है, स्टैम्प पाकिस्तानी सूट ट्रेंडिंग में है, अच्छा रेडीमेड भी है, ट्राउजर कुर्तियां वगैरह सब चल रहा है इस टाइम। तो क्या प्राइस समझे इनका? नॉर्मल से नॉर्मल 1000 से स्टार्ट है हमारे पास, और लगभग हाईएस्ट 3000 तक। 3000, तो 1000 रुपए से बता रहे हैं भाई यहाँ पर स्टार्ट है और 3-3500 तक का यहाँ पर जो है क्लॉथ है। कैसे हैं? तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहम्मद फुटवेयर पर, जहाँ पर जो है
बच्चों के और बड़ों के, एडल्ट है, लेडीज है, जेंट्स है, सभी तरह के जो है यहाँ पर जो है फुटवेयर, चप्पल है, सैंडल है, शूज है, काफी कुछ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस इंतजार है आप लोगों का, जल्द से जल्द आए और जो है बाजार की रौनक को बढ़ाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक लेडीज कॉस्मेटिक स्टॉल पर। क्या पोजीशन चल रही है? चुका भी लीड में लगभग 4-5 दिन बाकी है। क्या सब मेरे ऊपर पोजीशन है? काम वाम को खास है नहीं जैसा होना चाहिए, जो पिछले साल था उस हिसाब से काम है नहीं। तो अभी बता रहे हैं थोड़ा सा सिलो है मार्केट, चूंकि ईद अभी 4-5 दिन बाकी है, तो उम्मीद है बढ़ जाएगी सेल। भाई जान की दिखाओ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ब्रेड में लग रहे हैं भुर्दा, और भुर्दा लगने के बाद इसको होगा तेल में फ्राई, और फ्राई होने के बाद शाम को जो है लोग जो है चाव के साथ मजे के साथ रोज इफ्तारेंगे। तो यह है भाई का हमारे स्टॉल। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं अब्दुल्ला चौक पर, नहपौर का ये नए बाजार से पहले का चौक पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट, सॉरी फ्रूट वगैरह, जैसे कि तरबूज, देखिए ये है डिजाइनदार तरबूज, ठीक है। तो महक बहुत मीठी आ रही है माशाल्लाह। तो तरबूज है, क्या रेट है? 30 रुपए केजी जो है तरबूज है, और खजूर है, इसके अलावा अमरूद है, नाशपाती है, पपाया है, काफी कुछ माशाल्लाह यहाँ जो है अवेलेबल है। और ये चौराया है अब्दुल्ला चौक, जिसको बोलते हैं नेटवर्क का बहुत ही बिजी और बहुत ही पॉश जो है ये चौराहा है, अब्दुल्ला चौराहा। चलो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है फ्रूट बिक रहे हैं, जैसे एप्पल है, पपाया है, पाइन एप्पल है, और यहाँ पर जो है काफी तरह के संतरे वगैरह। तो यह है भाई का स्टॉल, और रोजेदारों के लिए इस वक्त जो है यहाँ पर लगी हुई है भीड़, आप देख सकते हैं लोग आए हैं खरीदारी करने के लिए। यह है स्पेशल अमरूद। तो मैं इस वक्त पहुंचा हूँ नए बाजार में। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंचा हूं वेलकम स्नैक्स कॉर्नर पर, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, जरा से हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। तो भाई मोहम्मद सुहेल का ये कॉर्नर है, जहां पर तरह तरह की जो है फास्ट फूड में पता नहीं कौन कौन सी आइटम है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मिल रहा है, मैं भाई से बात करूंगा। जी क्या क्या बना रहे हैं? मेरे पास सब चिकन के आइटम है, और मेरे पास 20 वेरायटी है चिकन में, और ज्यादा भी है, सेटअप थोड़ा बैठा नहीं है, इस बार इंशाल्लाह और आइटम रहेंगे। जी जी। अभी फिलहाल 7-8 आइटम है। चिकन थ्रेड क्रिस्पी है, क्रिस्पी हंगामा कबाब है, चिकन रोल है, रशियन कबाब है, चिकन पेटीज है, चिकन समोसा है, चाइनीज समोसा है, चाइनीज रोल है, चिकन स्टिक है, और भी तरह तरह के आइटम है। तो इससे पहले कहीं बाहर थे? कहाँ करते? मुंबई था। अच्छा। 20 साल से मुंबई में था मैं, वहीं पे ऐसी आ चुके। ये असल में वो आइटम है जो नेटोर में शायद फर्स्ट टाइम दिखाई दे रही है, इससे पहले बिजनौर में, जिला बिजनौर में फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में शायद ये पहली बार है। तो मुंबई की आइटम है ये सारी? सब मुंबई की आइटम है। अच्छा। तो जरा सा मैं पता करना चाहूंगा इनके प्राइस क्या है, इस आइटम के? 20 रुपीज का है, हंगामा कबाब है। हंगामा कबाब। और ये रशियन कबाब 10 रुपए का है, और ये चिकन पेटीज है 10 रुपए की, वो भी रशियन है, वो कच्चे। ये चिकन है? हाँ ये चिकन है, चिकन स्टिक है, फुल चिकन रहता है वो। तो ये क्या किस प्राइस का है? ये 20 रुपीज का एक है, 50 के 3 है। अच्छा, ये 50 के 3 है और 20 रुपीज का ये एक है, चिकन की आइटम है ये। तो इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ये यूनिक आइटम है नेटवर्क के एतबार से, भाव भी एकदम रिजनेबल है हमारे पास। तो मोस्टली 20 से शुरू होकर कहाँ तक एंड हो रहा है? मेरे पास 5 रुपीज का समोसा है, चाइनीज समोसा, और अभी तो फिलहाल 40 रुपीज का एंड है, लास्ट थ्रेड चिकन क्रिस्पी जो है। अच्छा, 40 रुपीज जी। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद रमजान के बाद जैसे मलाई चिकन है, चिकन 65 है, स्पाइसी चिकन है, ग्रीन चिकन है जी। और अपने पास चीज रोल है, मलाई रोल है जी। अलग शाही रोल है, फॉइल कबाब रोल है, तो अलग अलग है, उसका प्राइस अलग अलग है, 20-30-50 तक आइटम है, उससे ज्यादा नहीं रहता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत कम दामों में
वो मुंबई का जायका आप नहटौर में ले सकते हैं, चूंकि भाई ने अभी अपना आउटलेट शुरू किया है और आइटम इसमें कोई शक नहीं है ज्यादातर जो है मुंबई की है, बिल्कुल यूनिक आइटम है आप देख सकते हैं। और प्राइस की बात अगर की जाए बहुत ही रिजनेबल है, यूनिक आइटम है, फर्स्ट टाइम नहटौर में आउटलेट खुला है ये स्नैक्स वेलकम स्नैक कॉर्नर, तो आप जाएं जरूर ट्राई करें, आप देख सकते हैं बहुत यूनिक आइटम है इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरफ है हमारे भाई शमशाद के बहुत ही मशहूर समोसे और टिक्की, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है भाई शमशाद बना रहे हैं समोसे जो शाम को रोजादारों के लिए यहाँ पर जो है तैयार हो रहे हैं समोसे, और इस तरफ है टिक्की, आप देख सकते हैं यहाँ टिक्की भी है। तो भाई शमशाद का ये स्टॉल उस तरफ लगता है, चूंकि आज फ्राइडे है तो बाजार लगता है इसलिए इस तरफ खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मशहूर है, पूरा नहटौर जानता है भाई शागिर और भाई शमशाद, ये दो जो है स्टॉल बहुत ज्यादा मशहूर है नहटौर। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ नए बाजार में जो बहुत ज्यादा मशहूर है अपने कपड़ों के लिए, तो आज 25वां रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह आज इस रमजान का आखिरी ये फ्राइडे है, आखिरी जुमा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, नहटौर की मार्केट हमने एक्सप्लोर करके दिखाई, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्लीज वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। साजिद टेम्परेरी है ताहिर, ठीक है बाबू चल गई क्या रिकॉर्डिंग ऊपर उसमें मोबाइल में ऊपर चल गई, क्या नाम बताया A to Z गारमेंट तो कर दी शुरू, सही जा रहा है क्या?